There's a lot of knowledge sharing sessions that we're having here today. Mr. Vikas Khanna from Vertex Wing. Zordaar taaliyan ho jaye, everybody. Good afternoon, everyone. Myself, Vikas Kumar. I represent Vertex Paints and Coating Industry, Khanna, Punjab. And today is my topic regarding this summit is related to MSME. And the topic is related to very much with this summit, that MSME kaise compete kar sakti hai ek big player se, aur jo topic hai, how an MSME can compete in a big league with technology and software, smart software. देखिए, जो पहले 10-15 साल पहले की सिचुएशन ये थी, बड़े प्लेयर और हमारे प्लेयर जो एमएसएमई हैं, उनके प्रोडक्ट का सेल करने का जो प्राइस था उसमें बहुत गैप था, उनके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा नहीं आते थे। लेकिन अभी क्या है, अब बड़े प्लेयर जो हैं वो एमएसएमई को बहुत ज्यादा कम्पीट कर रहे हैं, उनके प्राइसेस वगैरह में हमारे प्रॉफिट बहुत कम हो चुके हैं। तो इनको, इस चीज को कैसे बचाया जा सकता है, तो ये मेरा टॉपिक है। हम प्राइस वॉक को छोड़ के कैसे ऐसी चीजें हैं जिसको पकड़ के अपने ब्रांड की इमेज बढ़ा सकते हैं, उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। First, we need to understand what are the challenges we are getting from a bigger player while competing in the market. अब देखा जाए, बड़े प्लेयर को हम किस चीज में कम्पीट कर सकते हैं। पहले तो हम कम्पीट करते थे प्राइस में, उनका प्राइस ज्यादा होता था, हम अपना प्राइस कम करके प्रोडक्ट सेल कर देते थे। लेकिन आज की सिचुएशन है, बड़े प्लेयर हैं, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट भी आ रही है, जिस रेट पे हम प्राइमर सेल करते हैं उससे 50% डिस्काउंट पे एमल्शन निकाल दिया है, अप्रोक्सीमेटली 1000 to 1200 रुपीज पर 20 लीटर। अब इस प्राइस में हम कैसे सेल करेंगे अपना फाइनल प्रोडक्ट जो कि एमल्शन है। हमारे पास पहले बहुत गैप होता था, जैसे ही गैप कम होता जा रहा है हमारे प्रॉफिट सिक्योर होते जा रहे हैं। अब अगर हमें कंपनी को सस्टेन करना है, अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करना है, उसमें एमएसएमई के पास सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि वो ना तो एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च कर सकते हैं बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू लार्जर प्लेयर्स। अब ना तो एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर सकते हैं, ना ही सेल्स प्रमोशन पे बहुत ज्यादा हमारे पास बजट रहता है, और अगर हम प्राइसेस को कम करते जाएंगे तो उसमें भी हम बड़े प्लेयर को अभी कम्पीट नहीं कर पा रहे। विद मैं ये पैंडेमिक की बात कर रहा हूँ, जैसे पैंडेमिक आया उसके बाद बड़े प्लेयर्स ने अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत नीचे कर दिए। अब प्राइस वॉर भी खत्म हो चुकी है, उसमें हम ज्यादातर हार चुके हैं। मैं सॉरी नेगेटिव बात कर रहा हूँ, नेगेटिव प्लीज आप अदरवाइज मत लेना, लेकिन ये सच्चाई है। ये पिछले 2-3 महीने से हम देख रहे हैं, जो प्राइस वॉर हम सोच रहे थे भी बड़े प्लेयर के साथ हम प्राइस कम करके सेल कर देंगे, अभी हमारी जो आरएमसी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो उनके सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। अगर हमें प्रोडक्ट सही सेल करना है तो, अगर इस बात में कोई सभी एग्री करते हैं, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ ना अभी, ये सही बात मतलब सच्ची है। अगर हमें क्वालिटी में कम्पीट करना है तो हमें क्वालिटी भी कम नहीं कर पाएंगे, तो क्या चीज है जिससे हम अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करें? प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज सेल को बढ़ाने से कर सकते हैं, या अपना प्राइस बढ़ा के कर सकते हैं। अब प्राइस तो हम बढ़ा नहीं सकते, सेल कैसे इंक्रीज करेंगे? हमारे पास कोई पर्टिकुलर निश है जिसमें हम घूम रहे हैं, अब एमएसएमई आपस में लड़के झगड़ के प्राइस वॉक करके अपने आप को खत्म करते हैं, और बड़ा प्लेयर हमारी सेल को भी खा रहा है, और हमारे डे बाय डे निश कम होती जा रही है। ठीक है, इंडस्ट्री 10% से ग्रोथ कर रही है, इंडियन पेंट इंडस्ट्री, उसका थोड़ा बहुत हमें इंक्रीमेंट मिल जाता है, लेकिन
जब ये स्टैग्नेट होगी इंडस्ट्री तो हम खत्म हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे मार्केट से। तो रियल माने में जो चैलेंज है वो हमें समझना पड़ेगा। अब प्राइस को बढ़ा नहीं सकते, सेल हम कोई पर्टिकुलर निश में काम कर रहे हैं उसको बढ़ाने में हमारा बहुत जोर लगेगा। अगर हम पंजाब में काम करते हैं उसको उड़ीसा में माल बेचेंगे, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी है। अभी जिसके पास जो कंपनी उड़ीसा में प्लांट लगा रही है उसको कैसे कम्पीट करेंगे? हमारी अगर कॉस्टिंग कम होगी तब तो हम बाहर जाके सेल कर पाएंगे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, जो मेरे को लगता है, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, वो मेरा ये एक्सपीरियंस है, स्टार्ट बिल्डिंग ब्रांड वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट। अगर हम अपने ब्रांड की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हमें प्राइस कम करने की जरूरत नहीं है। और प्राइस कम करते हैं फिर हम क्वालिटी को भी सोचते हैं कम करें क्योंकि हमें खर्चे भी मीट करने हैं। सबसे पहले प्राइस कम करते हैं, उसके बाद हम हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिक्रीज कर देते हैं। दो तरह से सेल को बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि हम दो तरीके से, जैसे एक पुश एक पुल। अब एशियन पेंट डेवलप में जितने ये बड़े प्लेयर हैं इनकी टीवी में इतनी एडवर्टाइजमेंट आती है, इनकी अपने आप डिमांड आती है, पुल डिमांड है, नीचे से निकलती है पीछे। कस्टमर मांगता है, एप्लीकेटर को बोलता है, एप्लीकेटर दुकानदार को बोलता है, दुकानदार डेपो में ऑर्डर देता है, दिस इज पुल डिमांड। हम क्या करते हैं, हमारी डिमांड तो मार्केट से नहीं आ रही, हम क्या करते हैं डीलर से रिलेशन बनाते हैं, उसको माल पुश करते हैं और क्या करता है वो ऑर्डर रिपीट ऑर्डर कर देता है। प्रोडक्ट अच्छी है तो रिपीट ऑर्डर है, लेकिन वो हमारी पेमेंट वैसे नहीं देता जैसे एशियन पेंट को, डेवलप पेंट को, बाकी बड़ी कंपनीज को देता है, क्योंकि उनकी ब्रांड की वैल्यू है, हमारे ब्रांड की वैल्यू नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, चाहे 50 करोड़ कंपनी की टर्नओवर 100 करोड़ हो, लेकिन बड़े प्लेयर से हम मुकाबला कर नहीं पाएंगे जब तक हमारी ब्रांड की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू एम्पावर अवर सेल्फ। हाउ वी कैन एम्पावर अवर सेल्फ सो दैट वी कैन मेक इट ब्रांड रादर देन ए प्रोडक्ट। मैं जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं वो मैं शेयर कर रहा हूं, आई एम नॉट हेयर टू गिव यू नॉलेज बिकॉज आई डेयर टू गिव, मेरे में इतनी नॉलेज नहीं है जो मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है जो आपसे मैं शेयर कर सकता हूं। देखिए इसको मैं एक टेक्नोलॉजी से ये कहना चाह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी से हम अपने ब्रांड की वैल्यू को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट जितनी मर्जी करो लेकिन बड़े प्लेयर से बराबर एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाएंगे, जितने मर्जी प्रिंट मीडिया पे पैसे खर्च कर दो उसको नहीं कम्पीट कर पाएंगे, क्वालिटी बना लो उसको कम्पीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट, कुछ ऐसे आइडियाज लेके आ सकते हैं जिससे हमारे प्रोडक्ट को ब्रांड वैल्यू मिलेगा, पुश मिलेगा। वो क्या चीजें हैं जिससे एमएसएमई अभी बहुत दूर है? मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, आप में से जितने भी एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स हैं, हु आर द मैन्युफैक्चरर्स और एमएसएमई हियर प्रेजेंट टुडे जो अभी टिंटिंग सिस्टम में आ चुके हैं? वन, टू, ओनली टू, अभी दिस सिस्टम वी हैव लॉन्च्ड इन 2014, वी हैव टाइड अप विद इटार्डिंडो जिसका अभी इंडिया में बिजनेस बंद हो चुका है, दे हैव स्टार्टेड देयर बिजनेस विद बर्जर पेंट इनिशियली, लेटर फिर उन्होंने बिजनेस जैसे उनका कम हुआ तो दे हैव नॉट टाइड अप विद द बिग प्लेयर्स सो दैट दे मूव टू स्मॉल प्लेयर्स लाइक वर्टेक्स पेंट लाइक अस। हमारे साथ जुड़े, हमने 2014 को इस सिस्टम को डेवलप इंस्टॉल किया अपने प्लांट पे, इसको समझने की कोशिश की हमने कि ये क्या है। दो तीन साल चार साल हमें ये समझने में लग गया भी ये सिस्टम है क्या। फिर हमने इस सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस की जोर लगाया, तब तक ये पेंडेमिक शुरू हो गया, फिर ये बंद हो गया हमारा सिस्टम। फिर हमने दोबारा से कौरव के साथ अटैचमेंट की और अभी हमारी रनिंग 18 to 19 मशीन हैं जो हमारी रनिंग कंडीशन में है, चल रही हैं। वो बिल्कुल एशियन पेंट की तरह, डेवलप पेंट की तरह, बड़े प्लेयर की तरह हमारे से डिमांड कर रहे हैं कस्टमर भी, हमें ये बेसिस चाहिए, ये हमें कलरेंट चाहिए। तो हम थोड़ा बहुत, हमारी सेगमेंट बदल गया, जो एमएसएमई हमेशा फंसा रहता है जिस चीज़ों में वो थोड़ा बहुत बदल गया, हमारी टर्नओवर बढ़नी शुरू होगी, हमें कुछ अलग नज़र से देखना शुरू कर दिया हमारे डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर, ये सोच के भी इनके पास ट्रेंडिंग सिस्टम है, दे आर वर्किंग लाइक ए बिग प्लेयर्स, दे माइट बी बिग प्लेयर्स एज कम्पेयर टू अदर्स जो
हमारे से ज्यादा भी टर्नओवर कर रहे थे, लेकिन हमें एच मिल गया, ये वाला जो हमारा ब्रांड है कलर मोड। ये एच मिलने के बाद हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट ये मिल गया, दे हमारे पास प्रोडक्ट अच्छी है, वी नेवर कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एवर, तो उसको सपोर्ट मिल गया, इनकी क्वालिटी भी अच्छा है, दे हैव प्रिंटिंग सिस्टम। तो इससे जैसे हमें एच मिलना स्टार्ट हुआ, हमारी सेल में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होना चालू हो गया। तो फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स वी आर हैविंग ए वेरी गुड सिस्टम जस्ट लाइक अदर प्लेयर्स, एंड वी हैव मोर देन 10,000 शेड फॉर्मुलेशन इन आवर सिस्टम, कंप्लीट ऑल बिग प्लेयर्स फॉर्मुलेशन एंड आवर ऑन एक्सक्लूसिव शेड रेंज। अपार्ट फ्रॉम दैट टिंटिंग सिस्टम, वी हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम विच इज कॉल्ड वर्टेक्स चैंपियन क्लब, एंड चैंपियंस आर दोस हु आर एप्लीकेटर्स हु आर रियल प्रमोटर्स ऑफ वर्टेक्स पेंट्स। जो एप्लीकेटर लोग वर्टेक्स का मेटीरियल लगाते हैं उनको रिवार्ड, छोटा सा रिवार्ड या हमारा शेयर बोल दीजिए वो मिलता है, जिसको वो रिवार्ड को पाने के लिए उनको स्कैन एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड करनी पड़ती है, उसे स्कैन करके रिवार्ड को गेन करना पड़ता है। तो इससे क्या हमें लगता है, हम कैसे एम्पावर हो रहे हैं, हमारी कंपनी कैसे बढ़ रही है, तो ये मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगता है तो यू कैन स्टार्ट अप विद दिस सिस्टम। ये क्या है, इससे क्या है, हम जब ट्रेडिशनल वे में क्या चल रहा है या क्या चल रहा था, कूपन निकलता है शॉप के पास जाता है एप्लीकेटर, तो वो ओनर को बोलता है ये मेरा कूपन एक्सचेंज कर दो, उसको पैसे दे देता, हम एप्लीकेटर पैसे लेके घर पे आ जाता है, बात खत्म। लेकिन हमारे तक कोई इंफॉर्मेशन आई, उसने क्या लगाया, कितने का प्रोडक्ट लगाया, क्या साइज का प्रोडक्ट लगाया, नहीं आती ना। अगर ये हम सिस्टम लॉन्च करते हैं, हमारी एप्लीकेशन के थ्रू एप्लीकेटर अगर रिवार्ड कूपन को स्कैन करता है, तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है व्हाट ही हैज कंज्यूम, उसने क्या लगाया, व्हाट ही हैज अप्लाइड, कौन सा पैक साइज अप्लाई किया है, कौन सी प्रोडक्ट अप्लाई की है और कब की है, कहां से ली है। अगर ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाए, क्या आपको लगता है भी हम एप्लीकेटर को थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं ऑफिस में बैठ के, एग्रीड? अगर आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो पेंटर्स मीट्स करते हैं, मेरे को बताइए जरा, सभी करते हैं। अब उनके ऊपर दोबारा से काम कब होता है, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है तो दोबारा से काम कब होता है, आपके अलावा या पर्टिकुलर कोई आपने स्टाफ रखा होगा या सेल्स टीम होती है जो उनको फिर जाके उनसे मिलती है, और धीरे 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 वो फीडबैक कम आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी अप्रोच भी कम हो जाती है उनके पास। यहाँ पे क्या है, हम कंप्यूटर बैठ के एसी रूम में बैठ के हमारा कॉल सेंटर है जो उनको मैनेज करता है, उनको उनसे फीडबैक लेता है, और वो फीडबैक हमारे बहुत काम का है। क्या काम का होगा हमारे फीडबैक, प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन करना है। अगर वो फीडबैक हमें नेगेटिव मिलता है, हम अपने नेगेटिव पॉइंट दूर करेंगे। अगर कोई हमें नेगेटिव पॉइंट बताता है तो अगर हम उसको ठीक करते हैं तो मेरे को लगता है हम इंप्रोवाइज कर रहे हैं, हम एम्पावर हो रहे हैं। और वो चीज हमें मार्केट इंफॉर्मेशन भी मिलती है उनसे, एप्लीकेटर से, कंपटीटर क्या कर रहा है, कंपटीटर की क्या स्कीम चल रही है। तो ये सब चीजें हमें जब फीडबैक में मिलेगी तो हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम ऑफिस में बैठ के ही कर सकते हैं, रादर डिपेंडिंग अपॉन सेल्स टीम। आजकल सेल्स टीम का बंदा एक महीना काम करता है, साल काम करता है, उसको थोड़े पैसे ऑफर मिलते हैं तो वो दूसरी तरफ निकल जाता है। जो अच्छा काम करता है बड़ी कंपनी उसको ले लेती है, मेरे से ज्यादा पैसे, हमारे से ज्यादा पैसे लो आप आ जाओ, उसको क्या लगता है मेरी ग्रोथ हो रही है, मैं छोटी कंपनी से निकल के बड़ी कंपनी की तरफ जा रहा हूँ। तो हमारी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। जो लोग मार्केट नहीं जा सकते, सेल्स का काम नहीं कर सकते, वी कैन मेक अप दैट टीम, दे कैन सिट आउट इन द ऑफिस, दे कैन अप्रोच बाय कॉलिंग टू द एप्लीकेटर्स, आपको क्या प्रॉब्लम है, माल क्यों नहीं लगा रहे, हमारा माल क्यों नहीं यूज करे, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट आपको नजर आया,
हम उनके ऊपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, अपनी सेल को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम इसके ऊपर बड़े अच्छे से घर बैठ के ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हैं। जैसे ये मैंने कहा, अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ एप्लीकेटर्स, उनकी साइकोलॉजी का पता लगेगा, हमें फीडबैक जल्दी मिलेगा, और डिजाइन करेंगे हम प्रोडक्ट उनके अकॉर्डिंग जो मार्केट की डिमांड है। हमारे पास बहुत बड़ी टीम तो है नहीं, सर्वे टीम तो है नहीं, जिससे हम मार्केट की इंफॉर्मेशन फटाफट गैदर हो रही है, हम उसके सर्वे के हिसाब से काम कर रहे हैं। दिस इज इटसेल्फ अ सर्वे। अभी अगली चीज के ऊपर आके, जैसे मैंने बोला वर्टेक्स चैंपियन क्लब जो हमने एप्लीकेटर्स लोगों के लिए एप्लीकेशन शुरू की है, वैसे वी आर कमिंग आउट विद अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन फॉर आवर डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। इससे क्या है, सेल्फ ऑर्डरिंग सिस्टम शुरू होगा। हमें कोई पर्सन सेल्स का जाके ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। अगर लेता है वेल एंड गुड, कोई बात नहीं। अगर नहीं जाता तो शॉप ओनर घर बैठ के रात को 10 बजे 11 बजे खाना खाते वक्त अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ऑर्डर प्लेस नहीं, बल्कि जो ऑर्डर प्लेस करेगा दैट विल कन्वर्टेड इनटू एन इनवॉइस, जो कल उनकी इनवॉइस बनेगी एज पर स्टॉक लेंगे नंबर गो डाउन। जो स्टॉक होगा उससे उसका वो ऑर्डर करेगा, वो ऑटोमेटिक बिल बनेगा हमारे सिस्टम। सेल्फ ऑर्डरिंग सिस्टम हो गया, सेल्फ इनवॉइसिंग सिस्टम हो गया। जो डीलर कोई ऑर्डर करेगा या डिस्ट्रीब्यूटर का ऑर्डर करेगा, वो अपने आप नेक्स्ट डे वो बिल बनेगा ऑटोमेटिक, कोई हमारा अकाउंट्स का बंदा उसको बिल में कन्वर्ट नहीं करेगा। ये सिस्टम में ऐसा है। इससे क्या है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भी यार जो मैंने ऑर्डर दिया वही मेटेरियल आया, कुछ एक्स्ट्रा मेटेरियल नहीं आया। कुछ मैंने 4 लीटर ऑर्डर कर दिया, 4 लीटर गोडाउन में नहीं है तो 1 लीटर उठा के भेज दिया, या मैंने आधा लीटर ऑर्डर किया तो 1 लीटर आ गया जी, आधा लीटर तो आया नहीं। तो ये उनको, चाहे हम नहीं करते लेकिन उनको कम से कम कॉन्फिडेंस होगा भी ये चीज मैं कर रहा हूं। अब गाड़ी चलाते हैं, जो ड्राइवर सीट पे बैठता है, जो ड्राइव करता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल और होता है, जो साइड में बैठता है उसका कॉन्फिडेंस और होता है। अब वो ड्राइविंग सीट पे बैठेगा हमारा कस्टमर, उससे क्या है उसको, अब इसमें दूसरा पॉइंट ये है, जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको अपने अकाउंट्स बिल्कुल क्लियर नजर आएंगे। मेरी आउटस्टैंडिंग क्या है, कितने देर होगी मेरी पेमेंट्स ड्यू बाकी है, या कितनी देर होगी मेरे को कंपनी ने क्रेडिट नोट में नहीं डाला, मेरे को स्कीम बोल के गए थे लेकिन अभी मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई। तो ये चीजें उसके अगर हाथ में रहेंगी तो ही फील मच कॉन्फिडेंट। तो वो उसका जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हमारे साथ उसकी उतनी बॉन्डिंग बढ़ेगी, तुम्हारी सेल बढ़ाने के चांसेस है। उसके बाद जो रियल टाइम स्टॉक है वो नजर आएगा हमारे सिस्टम में, हमारे पास स्टॉक प्रेजेंट क्या है, क्या शॉर्ट है क्या नहीं, उसको सब नजर आएगा। सेल्स पर्सन क्या है, वो ऑर्डर लिख लेते हैं, कोई भी शॉर्ट रहता है वो अगले दिन पता लगता है, जब गोडाउन में जब डिस्पैच वालों के पास जाता है यार ये तो स्टॉक में, 3 दिन के बाद वो इन्फॉर्म करता है कस्टमर को, सर सॉरी ये हमारे पास नहीं, आप कुछ और बता दीजिए। तो इस चीज को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद वो उसने सेल की उसकी परफॉर्मेंस कैसे रही पूरे साल में, उसको हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है, सर आपकी सेल इतनी होगी, उसको अपने आप पता लगता रहेगा। क्या उसका टारगेट दिया था, वो 1,80,000 के ऊपर बैठा है तो उसको 1,20,000 और करना, उसको खुद ये सिस्टम बताएगा। अगर हम किसी को बोलते हैं सर आपका 1,20,000 टारगेट रहेगा, वो बोलो छोड़ो यार मेरे पास ऑर्डर नहीं है, आप बताइए कुछ और कर सकते हो मेरे लिए क्या। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि आप हमारे लिए ऑर्डर निकालो, चाहे उसका ऑर्डर हो फिर भी बोलेगा नहीं यार आपका महंगा पड़ता है। तो ये सिस्टम इटसेल्फ उसको बोलेगा व्हाट इज योर सेल, आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। उसके बाद स्कीम ट्रैकिंग, कोई स्कीम है 10 स्कीमें चला दी, हमें खुद नहीं याद रहता हम क्या स्कीम देके आए, उसको खुद नहीं याद रहता बिल्कुल क्या स्कीम देके गए। तो उसको जो भी स्कीम है इसमें दिखेगी, अगर हमने कुछ उसको 500 लीटर या 1000 लीटर के ऊपर स्कीम दे दी, अगर उसका 828 हो गया, उसके बाद 172 लीटर रहता है, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो सिस्टम बताएगा भैया 28 तारीख आ गई, 2 दिन हमारे पास बचे हैं, इसमें आपको 172 लीटर और करना है स्कीम को पूरा करने के लिए, और इसके साथ जो बाकी 9 स्कीम है वो भी उसको रिफ्लेक्ट करेंगे ये सिस्टम। और इससे क्या, हमारा कम्युनिकेशन बड़ा फास्ट हो जाएगा। बंदा गया नहीं, 1 हफ्ता बीमार हो गया, नेक्स्ट 15 दिन कोई उसके पास गया नहीं, तो ये उसके पास बहाना नहीं होगा भी आपका बंदा नहीं आया इसलिए हमने पेमेंट नहीं करी। तो उसके हाथ में अगर मोबाइल में सब कुछ नजर आएगा मेरी आउटस्टैंडिंग क्या है,
तो वो ये नहीं कह सकता मेरे पास बंदा नहीं आया या आपका सेल्स पर्सन नहीं आया या मैं बाहर गया हुआ था, उसको नजर आएगा मेरी आउटस्टैंडिंग क्या है। सो दिस वे वी कैन मेक एन इमेज दैट वी कैन वर्क लाइक ए बिग प्लेयर एंड वी आर इन द लीग। हम लीग से बाहर नहीं हैं, भले चाहे हम एक एमएसएमई है, छोटी कंपनी है, लेकिन हम वैसे काम करेंगे जैसे एक बड़ा प्लेयर करता है। वो कॉन्फिडेंस जनरेट करता है कस्टमर के सामने, हम भी कॉन्फिडेंस जनरेट करेंगे भी। आपके अकाउंट्स बड़े साफ रहेंगे, आपके सेल्स प्रमोशन के ऊपर पूरा ध्यान है। अब शॉपकीपर है, उसके पास 10 बिजनेस हैं, वो पेंट के ऊपर नहीं ध्यान देता, लेकिन हमारा कॉल सेंटर एप्लीकेटर को फोन करके या उनको उनसे फीडबैक लेके उनको गेयर अप करके उनकी एम्पावरमेंट, उनकी सेल को बढ़ाने का काम करेंगे हमारे कॉल सेंटर। ऑनर के पास तो इतना टाइम होता नहीं है, वो 20 उसके पास एप्लीकेटर आते हैं या 25 आते हैं, वो 25 के बुला के बोलेगा भैया तू क्या नहीं, ये क्यों नहीं लगा रहा, तू 20 लीटर लगा रहा, तू 1 लीटर क्यों नहीं लगा रहा। ये हमारा कॉल सेंटर करेगा, उसको भी बेनिफिट मिलेगा। अगर ये फैसिलिटी, ये चीज़ें हम अपने डीलर के लिए करेंगे तो उसको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा और वो हमारे साथ और जुड़ने की कोशिश करेगा लाइक बिग प्लेयर्स। तो उसको भी पता है बिग प्लेयर बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़ने में उनको प्रॉफिट मार्जिन क्या है, हमारे ब्रांड के साथ जुड़ने में उनको प्रॉफिट मार्जिन क्या है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैं 10 साल से इस चीज को कन्वर्ट करने में लगा हूँ, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप ये चीज करें तो मेरे को लगता है बहुत अच्छा है। मेरा पर्सनल बेनिफिट ये हुआ है, फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स वी आर कंटिन्यूसली गेटिंग अप टू द ग्रोथ ऑफ मोर देन 60%। लास्ट ईयर हमने 60% से ज्यादा हमने ग्रोथ करी है और वी आर नाउ कमिंग आउट विद ए बिग प्लांट इन अवर थन्ना प्लेस विद मोर कैपेसिटी। आई थिंक अबाउट 10 टाइम इंक्रीज विद दिस आर्किटेक्चर बेस्ड कोटिंग्स एंड वी आर कमिंग आउट विद द एपॉक्सी फ्लोर कोटिंग, PU एंड वुड कोटिंग आल्सो, ओनली बिकॉज वी आर फीलिंग कॉन्फिडेंट दैट वी कैन ग्रो बाय दिस मोटो। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर गौरव चंद्र श्रीवास्तव जी को एंड देन ऑनेक्स प्रेजेंसी पे आके इनको बुके दे के इनका सम्मान में है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर गौरव चंद्र श्रीवास्तव जी। अच्छा एनीबडी, मनीष जी आप भी आए, आप धन्यवाद अदा करें मंच पे। प्लीज सर प्लीज सर And he rightly said, you know, make your brand, not just the product. It's very important, you know. I think what Vikasji shared about making your brand, just not the product, I guess, this could be a tool to go ahead and make a successful brand. Thank you so much, sir. And किसी को कोई और भी doubt है, sir will be present around. आप उनसे बात भी कर सकते हैं और बहुत एक्सपेंड के बारे में और कुछ जानना है, उनके साथ एसोसिएट होना है, इट्स गोइंग टू बी अराउंड एंड वी आर जस्ट ब्रेकिंग अप फॉर द लंच। एनी क्वेश्चंस? आई गेस यू कैन टॉक वन टू वन विद टू द लंच।